हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ तथा विशेष रोगों पर अनुभव रखता हूँ और विशेष नुस्खे वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरा क्लिनिक श्री शुक्ल संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक, जो कि इस क्लिप में आपको दिखाई दे रहा है, वह शैबरा बिटोनी में स्थित है। आप यदि कई विशेष रोगों से पीड़ित हैं, कई जगह लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो एक बार आके आयुर्वेद की शरण जरूर लें। एक बार आयुर्वेद के चमत्कारों को जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन गंभीर रोगों से आप कम समय में और कम पैसे में मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि चिकित्सक वो होता है जो व्याधि, बीमारी और पेशेंट का इलाज करे, ना कि सिम्टम्स के। और आयुर्वेद में पेशेंट का ही इलाज होता है। तो आज मैं जिस विशेष विषय का आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ, उसका नाम है स्वप्न दोष, जिससे अधिकतर पुरुष भारतवर्ष में और विश्व में पीड़ित हैं। अतः आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो अब हम चर्चा करेंगे स्वप्न दोष के बारे में। स्वप्न दोष होता क्या है, क्यों होता है तथा इससे क्या दिक्कतें होती हैं, इन विशेष विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वप्न दोष उन व्यक्तियों को ज़्यादा होता है जो अति कामी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं, या फिर अत्यधिक मिर्च मसाले वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दूध, दही, घी आदि का प्रयोग करते हैं तथा निरंतर ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कामुक होती हैं। निरंतर ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बहुत कामुक होती हैं, और अक्सर ऐसे व्यक्तियों में यह रोग विशेष पाया जाता है जो अविवाहित होते हैं, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई होती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा टीवी, सिनेमा में ऐसे एडल्ट कंटेंट्स देखने वाले लोग, या जो एक्सरसाइज नहीं करते, निरंतर सोच विचार में खोए हुए रहते हैं, या फिर कर्मठ नहीं होते, आलसी लोगों को भी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और जो व्यक्ति ज़्यादातर शिक्षा और अच्छे साहित्य से दूर रहते हैं, उन्हें भी यह ज़्यादा होने लगता है। तथा जो भोजन में संयम नहीं रखते, जिनकी दिनचर्या सही नहीं होती, उन्हें भी यह रोग होता है। सुबह जल्दी नहीं उठना, रात में जल्दी नहीं सोना, निरंतर नींद लेते रहना, पड़े रहना, इस कारण से भी यह रोग हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को सोते हुए कभी-कभी सपने में ही सोते हुए ही वीर्य जो है, जो सीमन है, वह निकल जाता है और व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। तो वीर्य निकलते हुए वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है। धीरे धीरे वीर्य निकलता रहता है और व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता जाता है। उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता और इस परेशानी के कारण बहुत दुबला पतला सा हो जाता है, आंखें धंस जाती हैं तथा सेक्सुअल कैपेसिटी भी उसमें कम हो जाती है, शीघ्रपतन आदि की भी समस्या हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को सादा खाना खाना चाहिए, दूध का प्रयोग करना चाहिए, मांस, मदिरा, चटपटी चीज़ें, मसाले तथा बाहर की चीज़ें बंद कर देना चाहिए तथा अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या सुधारनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, शाम को या रात में जल्दी सोएं तथा भोजन जो है उतना ही करें जितना आवश्यक हो। अत्यधिक मात्रा में भोजन ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। जब खाना पच जाए तब भोजन करें, 6 से 7 घंटे के अंतर पर भोजन करें। मूंग की दाल, रोटी, फल आदि, सेब, अनार, संतरा, पपीता, इनका सेवन करना चाहिए। लौकी, परवल, एलोवेरा का जूस, आंवला का जूस तथा मेथी, भतुआ की भाजी, इन सबका सेवन करें। खटाई आदि, बाहर का खाना, मांसाहार तथा ज़्यादा मात्रा में खाना, तुरंत खाने के बाद खाना, ये सब त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जो विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है, वह मैं अब आगे आपको वर्णित करूँगा।
ऐसे व्यक्तियों को गंदे विचारों से, गंदे साहित्य से, गंदे सिनेमा से, बुरे वीडियोस से दूर रहना चाहिए। मोबाइल से भी दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखना चाहिए। अच्छे विचार, अच्छा साहित्य, धार्मिक कथाएं पढ़ना चाहिए तथा प्रेरक विचार सुनने चाहिए, वीरता की कथाएं सुननी चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को योग अवश्य करना चाहिए, अनुलोम विलोम अवश्य आप करें, कपालभाति अवश्य आप करें तथा मेडिटेशन अवश्य आप करें। सुबह और रात में आधा आधा घंटे आप ये चीज़ें यदि करेंगे तो मानसिक विचार भी स्वस्थ होंगे और नाइटफॉल भी नहीं होगा, स्वप्न दोष भी नहीं होगा, और दूसरे भी डिप्रेशन या आत्मविश्वास की कमी जो एक स्वप्न दोष के रोगी में हो जाती हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तथा खान पियन अच्छा रखें, दिनचर्या अच्छी रखें, आचार विचार अच्छे रखें। विशेष चिकित्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें सबसे पहले आप वैद्यनाथ की स्वप्न दोष हरी टैबलेट ले लें, चंद्रप्रभा वटी वैद्यनाथ की ले लें तथा डावर की ब्राह्मी वटी आप ले लें। ये तीनों चीज़ें मैंने क्लिप में डाली हुई हैं तो आप देखें। ये तीनों एक एक पैक आप ले लें। एक एक टैबलेट सुबह व रात खाने के 2 घंटे पूर्व आधा ग्लास गुनगुने दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर आपको इसका सेवन करना है। इसके सेवन से आपका शीघ्र पतन रोग या फिर स्वप्न दोष हो या कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो या फिर स्पर्म काउंट कम हो, शुक्राणुओं की संख्या कम हो, वह भी तथा शरीर भी इससे पुष्ट होता है। और यदि पेशाब की समस्या होती है, जलन के साथ पेशाब जाती है या बहुत पेशाब जाती है तो उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो कृपया इन तीनों चीज़ों को खाने के 2 घंटे पूर्व दूध व घृत से सेवन करें। अब इनका सेवन आप दूध व घृत के साथ करते हैं तो उसके खाने के लगभग 2 से 3 घंटे पश्चात आप 1 चम्मच अश्वगंधादि चूर्ण, जो मैंने ऊपर क्लिप में आपको फोटो दिखाई हुई, अश्वगंधादि चूर्ण ही लेना, अश्वगंधा नहीं, अश्वगंधादि चूर्ण आप लें वैद्यनाथ का, तथा 1 पैक धातु पौष्टिक चूर्ण ले लें वैद्यनाथ का। तो ये दोनों चूर्णों को 1-1 चम्मच मिक्स कर लें और 1 पाव दूध यानी कि 250 ग्राम दूध में आप इन्हें डाल दें और इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दें। इसे उबालें, तब तक उबालें जब तक दूध आधा ना बच जाए। दूध जब आधा बच जाए तो उसे ठंडा करके सुबह व रात में खाने के 2 घंटे पश्चात आप सेवन करें, उस दूध को आप पी लें। इससे आपको बहुत अधिक ताकत मिलेगी। दुबले पतले लोग भी इससे बहुत ही मजबूत कदकाठी के हो जाते हैं। अंदरूनी ताकत मिलेगी, मानसिक बल मिलेगा तथा स्वप्न दोष नाइट फॉल से भी आपको मुक्ति धीरे धीरे मिलने लगेगी। आप इसका सेवन करते रहें, निरंतर इस उपचार का सेवन 3 से 4 महीने करने पर व्यक्ति को अत्यंत स्वस्थता प्राप्त होती है। नाइटफॉल, शीघ्र पतन और दूसरी भी जो सेक्स की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अतः इनका सेवन करें तथा जो मैंने पथ्य और परहेज आपको बताएं उसका सेवन करें, व्यायाम करें, योग करें, गंदे विचार, गंदा साहित्य इस सब को छोड़ दें, प्रेरक और धार्मिक कथाएं सुनें, आपको विशिष्ट लाभ होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, ये था एक विशेष वीडियो जो कि स्वप्न दोष, धातु रोग, शीघ्र पतन तथा आपकी शारीरिक समस्याओं और सेक्स की कैपेसिटी कम होना, सेक्स में कमजोर महसूस करना अपने आप को और नपुंसकता आदि को भी पूर्णतः नष्ट कर देता है। तथा जो व्यक्ति बहुत दुबले पतले हैं उनको यह अत्यंत ताकत देता है, व्यक्ति की ताकत निरंतर बढ़ती जाती है। तो इस योग का प्रयोग करें तथा दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें भी इस वीडियो के बारे में बताएं, उनको बहुत लाभ होगा ऐसी मैं आपको आशा देता हूं। और आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा, आप उन्हें देखना चूक ना जाएं, इसलिए बेल आइकॉन ज़रूर डाल दें, आपको तुरंत यह देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने आयुर्वेदिक क्लिनिक श्री शुक्ल संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक की फ़ोटो, जो बैनर है उसकी फ़ोटो डाली हुई है। आप यदि बहुत से रोगों से पीड़ित हैं, बहुत गंभीर रोगों से पीड़ित हैं और आपको
कई जगह इलाज कराने पर भी, लाखों रुपए लुट जाने पर भी आराम नहीं मिलता है, तो आप मुझसे आकर मेरे क्लिनिक पर मिल सकते हैं। मेरा पता मैंने क्लिप में दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना पता डालूंगा। या आप मुझसे दवा यदि बुलवाना चाहते हैं गंभीर रोगों का, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं वर्णन करूंगा, तो उनकी दवा आप बाय पोस्ट मुझसे बुलवा सकते हैं। आपको मेरे अकाउंट नंबर में पहले उस दवा का मूल्य जमा करना होगा तथा रिसीप्ट जो है जमा करने की वह मुझे व्हाट्सएप करनी होगी। तो आप इसके विषय में मुझसे व्हाट्सएप पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप निश्चित कर लें तभी मुझे व्हाट्सएप करें और दवा लेकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।